ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूका विश्वावितेः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिरजसाः तिरैरङ्गै सुष्ठुवागो देवहितं जदायो बृहस्पति अतियधर्जो अर्हाद्यो चतुमज्जनेषु झे गायत्समसरणतः प्रजात तदसाधुरावीणा देहि चित्रं मा ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः परेभ्य परपादुकाभ्य आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्य नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्य ॐ श्री सद्गुरुपरमात्मने नमः ॐ यदायुष्यं चिरं देव सप्तकल्पान्तजीविषु ददुस्तेनायुषा युक्ता जीवेम शरदा शतं दीर्घा नागा नगा नद्यो नन्ता सप्ताणवादिश अनन्तेनायुषा तेन जीवेम शरदा शतं सत्यानि पञ्चभूतानि विनाशरहितानि च अविनाश्यायुषा तद्वज्जीवेम शरदा शतं शतं जीवन्तु भवन्तः अभी 72वां दिया बड़ा जला दिया हमने 71 दिए सब साधक जला रहे हैं जितने वर्ष पूरे हुए जो भी ज्ञान शांति भक्ति था आने वाला वर्ष उससे भी ज़्यादा भगवान के तरफ समता के तरफ आत्मवैभव के तरफ बढ़े इसीलिए जन्म दिवस मनाया जाता है। तो एक होता है जन्म साधारण जीवों का जन्म किसको बोलते हैं जो अव्यक्त है छुपा हुआ है वो प्रकट हुआ उसको जन्म बोलते हैं और अवतरण किसको बोलते हैं जो ऊपर से नीचे आए जैसे राष्ट्रपति अपना पद से नीचे आए स्टेनोग्राफर को मदद रूप हो जाए उनके साथ मिलके काम करे कराए उसको बोलते हैं अवतरण और अवतरण जन्म प्रागट्य इन सब की अपनी अपनी व्याख्या है लेकिन हमको क्या फायदा हम ये व्याख्या समझेंगे विचारेंगे तो हम अपने कर्म बंधन से देह के अहम से दुख के तादात्म्य से और सुख के भ्रम से हम पार हो जाएंगे। भगवान की जयंती महापुरुषों का अवतरण दिवस अथवा अपना जन्म दिवस इसके पीछे एक लौकिक कर्म देखते हुए भी आदि दैविक उन्नति छुपी है और कोई संत महात्मा के हाजिरी में ये होता है तो आध्यात्मिक उन्नति का प्रागट्य होता है। जैसे कुछ लोग केक काटते हैं मोमबत्ती फूंकते हैं और लाखों लाखों बैक्टीरिया थूकते हैं हैप्पी बर्थडे करते हैं ये भी जन्मदिवस मनाने का पाश्चात्य तरीका है लेकिन हमारे भारत ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि हमारा जीवन अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। अंधकारमय कई योनियों से हम भटकते हुए आए अब आत्म प्रकाश में जिए तो तमसो मां ज्योतिर्गमाया हम अंधकार से प्रकाश के तरफ जाएं लेकिन वो जो दिए जले होते हैं मेणबत्तियां वो तो प्रकाश को अंधकारमय करना और बासी अन्न का
काट कूट करना, फूंकते थूकते और फिर बांटना, ऐ छी 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 वमन आ जाए। अगर बुद्धिमत्ता हो तो वमन आ जाए के खाने वाले को देख के, क्योंकि जो फूंकता है ना, फूंक में लाखों लाखों बैक्टीरिया थूकता है। तो ये भी जन्मदिवस लोग मनाते हैं। खैर, अब उस अंध परंपरा की थोड़ी कमी हुई है, सजगता आई है, लेकिन अभी भी कहीं करते हैं। जन्मदिवस मनाने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए कि आज तक के जीवन में जो हमने अपने तन के द्वारा सेवा कार्य किया, मन के द्वारा स्मरण किया और बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्रकाश पाया, उससे अगले साल अपने ज्ञान में परमात्मा तत्व के प्रकाश को हम बढ़ाएंगे, सेवा की व्यापकता को बढ़ाएंगे और भगवत प्रीति को बढ़ाएंगे। ये तीन चीजें हो गई तो आपको उन्नत होने में ये आपका जन्मदिवस बड़ी सहायता करेगा। लेकिन जन्मदिवस किसी का है, झूम शराबी झूम बराबर झूम, पेग पिए और क्लबों में गए, तो ये सत्यानाश दिवस साबित हो जाता है। तो आदि भौतिक शरीर है, आदि दैविक मन बुद्धि अहम है, और अध्यात्म तत्व इन दोनों से परे है, उसको जानने वाला है। भगवान कृष्ण कृपा करके अपना अनुभव बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, यो वेति माम तत्वतः। अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, ऐसा जो जानता है उसके भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाते हैं। और वो मुझे मिलता है, ऐसे मिलता है जैसे दो सरोवरों के बीच की पाड़ हट जाती है, तो जैसे दो सरोवरों की पाड़ टूट जाए तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी, ये पृथक करना संभव नहीं रहता। ऐसे ही जीव का जीवत्व छूट जाए और ईश्वर का अपना ईश्वरत्व बाधित हो जाए, तो वास्तविक में दोनों में एक परब्रह्म परमात्मा लहरा रहा था, लहरा रहा है, लहराता रहेगा। आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा कि अगर जीव नहीं है, जगत नहीं है, तो ईश्वर ईश्वर किस बात का है। एक व्यक्ति आया, बोले तुम क्या करते हो, बोले मैं हेडमास्टर हूं। तो तुम्हारे हाथ नीचे मास्टर कितने हैं, बोले एक भी नहीं। बच्चे कितने हैं, बोले सब चले गए, चार हैं। तो तू हेड काय कर रहा, जब तेरे नीचे मास्टर नहीं है तो तू हेड मास्टर नहीं रहा, और पढ़ने के लिए अगर तेरे पास बच्चे नहीं तो तू मास्टर नहीं रहा। ऐसे ही जीव नहीं है, जगत नहीं है, तो ईश्वर ईश्वर भी नहीं रहा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो ये जीव और जगत और ईश्वर, तो जीव जो अव्यक्त है, अप्रगट है, वो प्रगट होता है तो उसका जन्म होता है, और प्रगति हुई चीज फिर विसर्जित होती है, होने को जाती तो मृत्यु होता है। जैसे शरीर मर गया तो इसको शमशान में जलाने को ले जाएंगे, तो जलीय अंश जल में चला जाएगा, वायु का अंश वायु में, अग्नि का अंश अग्नि में, पृथ्वी तत्व का अंश कुछ राख बच जाएगी, हड्डियां, तो अव्यक्त हो गया तो मृत्यु हो गई, और कहीं फिर जन्म हुआ, व्यक्त हुआ तो जन्म। तो अव्यक्त होना, विसर्जित होना को मृत्यु कहा, और विसर्जित में सुसर्जित होना इसको जन्म कहा। ये जन्म और मृत्यु की परंपरा ध्यान से सुनना, बहुत ऊंचा फायदा लेना है। ये आपने जो कुछ आयोजन किया, मेरे को पता नहीं था कि गाड़ी में जाते समय रास्ते में रोकेंगे, और गाड़ी में बैठते समय भी मुझे पता नहीं था कि मेरी गाड़ी को दुल्हन के नहीं सजाएंगे।
मैं तो अपने आप में गुरु प्रसाद में ऐसा सजा हूं कि ये तुम्हारी सजावटें तुम्हारे लिए है, मेरे लिए तो बाबा वही है। नारायण हरि, नारायण हरि। तो जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। तो भगवान का जन्म होता है करुणा परवश होकर, दयालुता से। भगवान करुणा करके आते हैं, ते भगवान का जन्म दिव्य हो गया, अवतरण हो गया। भगवान जो भी हमारे कष्ट मिटाने के लिए प्रेमा अवतार अथवा ज्ञान अवतार अथवा मर्यादा अवतार आदि होता है, तो वो हमारे नाई जीते, हंसते, रोते, खाते, खिलाते, सब करते हुए भी सम रहते, तो हमको उन्नत करने के लिए, उन्नत करने के लिए जो होता है वो अवतार होता है। और अपने कर्म बंधन से फंसे हुए जीव कहरा रहे, वो निगुरे साधारण होते हैं। लेकिन कहराते हुए अपने सृष्टिकर्ता को पुकारते हैं, तो वो सृष्टिकर्ता जैसे दूध में सफेदी व्याप्त है, चकमक में आग व्याप्त है, तिलों में तेल व्याप्त है, ऐसे ही सृष्टिकर्ता अणु अणु परमाणुओं में व्याप्त परमेश्वर जो का त्यों है सब में। लेकिन भक्त जब उन्हें पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वृत्ति आरूढ़ हो जाता है। सामान्य चैतन्य तो सब में ज्यों का त्यों है, लेकिन जब भक्त प्रीतिपूर्वक भजता है अथवा आर्तभाव से भजता है, अर्थार्थी भाव से भजता है, जिज्ञासु भाव से भजता है, अथवा भगवान को जानकर भगवान से प्रीति पाकर ऐसे ही सहज में भजता है, तो चार प्रकार के भक्तों की भगवान ने महिमा गाई। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सभा उदारा एवे सर्वे ते। ये सब मेरे भक्त उदार है। बोले महाराज आर्त है, दुख मिटाने के लिए आपको पुकारता है। उदार कैसे हुआ, वो तो दुखी आ रहा है। बोले उदार इसलिए हुआ कि चोरी जारी दुराचार के द्वारा दुख नहीं मिटाना चाहता, लेकिन मेरी कृपा को बुलाकर निर्दुख होना चाहता है, इसलिए मेरे तरफ झुका है ना, मेरे को प्रेम करता है, ये उदार है। दुष्टों को मारने के लिए मुझे अवतार लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा शैशव काल यशोदा मैया का दुग्ध प्रेम भरी माता का, करुणा भरी माता का दुग्ध पान करना, शैशव काल, किशोर काल, गोपियों के और ग्वालों के बीच आनंदित आह्लादित होना, यौवन काल, कर्म को योग, भक्ति को योग, ज्ञान को योग बनाकर मां वियोग से जो तड़फ रहे हैं संसार के तरफ, उनको अपने तरफ ले आना, इसी का मेरा है। बाकी तो दुष्टों का दमन करना, तो आपस में दुष्ट दुष्ट की बुद्धि फेरा के लड़ा के मार दें, उन दुष्टों को तो बंदर भी मार देंगे, उन दुष्टों को तो ऋषि मुनियों का श्राप भी मार देगा, उन दुष्टों को तो अपनी बदपरहेजी और अपना काम विकार एड्स की बीमारी के द्वारा मार के ले जाता है। फिर भी कहा गया है परित्राणाय साधुनाम विनाशायस्य दुष्कृताम। तो इसका रहस्य है कि जो साधु स्वभाव के हैं, प्रेमी है, कठिनाइयों में पुकारते आर्त भाव से अथवा धन दौलत अथवा चुनाव के लिए मुझे पुकारते, वो अर्थार्थी है। रोग कष्ट मुसीबत से दबकर पुकारते, वो अर्थार्थी है, ये आर्त है। लेकिन कोई सफलता पाने के लिए पुकारते तो अर्थार्थी है, और मुझे पाने के लिए मेरी सेवा पूजा और पुकारते हैं तो जिज्ञासु है। लेकिन ये सब नहीं है, फिर भी जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी व्याख्या करते हैं और मेरे तरफ दूसरों को लगाते हैं, ऐसा ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। प्रियो ही मे ज्ञानिनो इत्यर्थ। हे अर्जुन, ज्ञानी महापुरुष में और मुझ में तू कोई अंतर करना चाहे तो मैं शरीर हूं और वो मेरा आत्मा है। भगवान का भगवानपना इसी से सिद्ध होता है। मुझे तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे को तो वोट बैंक अच्छा है, रुपए पैसा भी अच्छा है, लेकिन तुम मेरे इलाके के हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कृपा करने के लिए, ऐसा ये नहीं कह सकते। समझदार नेता तो नहीं कह सकते, तो भगवान कैसे कहेंगे कि मैं दया करके तुम्हारे पास आया हूँ, करुणा करके।
वो कहते हैं यशोदा मैया का दूध पीने के लिए माँ की वात्सल्य स्नेह पाने के लिए मैं आया हूँ, दया करने को नहीं आया हूँ, गोप गोपियों के बीच आया हूँ अथवा तो अयोध्या वासियों के बीच आया हूँ तो उनकी कृपा और आनंद का आस्वादन करने को आया हूँ। ये भगवान की भगवत्ता है, सुहृदता है। ऐसे ही संत महात्मा का, अब भगवान के जन्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे नरसिंह अवतार, उसको आवेश अवतार कहते हैं। भक्त बहुत कष्ट में है और झेल रहा है, फिर भी भगवान की सत्ता चेतनता और आनंदता पे उसे पक्का भरोसा है। तो हिरण्यकश्यप कहता है कहाँ है तेरा सर्वव्यापक भगवान, थम्भा तपवा दिया। अगर बोले सर्वत्र है, सर्वत्र है तो ये तेरे बाप को आलिंगन कर। और प्रहलाद कहते हैं कि भगवान आप तो सर्वत्र है, जो ही आलिंगन करते हैं अग्नि का, जो तपाने का जलाने का धर्म है वो अग्निदेव अपना कुंठित कर देते और भगवान अपनी दया करुणा करके नरसिंह अवतार में प्रकट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं आवेश अवतार। द्रौपदी देखती है भीष्म पितामह, युधिष्ठर, द्रोणाचार्य आदि बड़े बड़े महारथी हैं, फिर भी ये दुशासन दुर्योधन के कहने से मेरी साड़ी का पल्ला पकड़ चुका है, अब खींचेगा मेरा, यहाँ कोई नहीं। तो अपनी दैन्यता और भगवान की समर्थता समझ में आ गई। द्वारिका दीश, वो खींचने लगा, द्वारकाधीश का प्रवेश अवतार हो गया। खींचता गया खींचता गया खींचता गया, हाथियों का बल रखने वाला, वो फरकड़ी की नाई फिरती गई फिरती गई, भगवान का प्रवेश अवतार हो गया। ये सारा झंझट निपटने के बाद श्री कृष्ण से द्रौपदी ने उल्हावना देते हुए कहा कि मैंने आपको पुकारा और उस दुष्ट ने हाथ में साड़ी पकड़ ली और खींचना चालू किया, आप बाद में क्यों आए, इतना देर क्यों किया। बोले पगली, तू मुझे कहती कि हे अंतर्यामी तो मैं उसी समय प्रकट होता, तूने कहा द्वारका तो द्वारका गए और फिर आए, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होई में जाना। तो भगवान कहते उदारा एवेते, भाई आपके में घर आया ना, ये आपकी कृपा हुई, आपके आकर्षण से आपके प्रेम से हम आ गए, कोई सेवा हो तो बताइए। वो श्रेष्ठ नेता के लक्षण है। आप लोगों से मुझे लेना देना नहीं है, कोई काम हो तो बोल देना, होगा तो कर सकेंगे तो होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो उस नेता को वोट भी कौन देगा और स्नेह भी कौन करेगा। ऐसे नेताओं के नेता, वक्ताओं के वक्ता, हितेशियों के हितेशी भगवान कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं जीवों पर, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है और जीवों पर कृपा ही करता हूँ। नहीं नहीं, भगवान बोलते उदारा एवेते, आर्त है मुझे पुकारता है तो वो उदार है, उसकी सज्जनता है जो मुझे पुकारता है, अर्थार्थी है उसकी सज्जनता है जो मेरे से मांगता है, जिज्ञासु है तो उसकी अपनी महिमा है, अपना बड़प्पन है जो मुझे जानने की जिज्ञासा करता है, और ज्ञानी, अरे बोले ज्ञानी तो महाराज क्या बताएं आपको, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। राम भगत जग चार प्रकारा, चारों अनग उदारा, ज्ञानी प्रभ ही विशेष प्यारा, ये तुलसीदास जी ने व्याख्या की। तो भागवत में आता है कि सुखदेव जी महाराज का पूजन करते राजा परीक्षित बड़े आदर से, सोने की कठौती में चरण धोते, चंदन आदि लगाते, पत्र पुष्पम आरती आदि करके हाथ जोड़कर सामने प्रश्न पूछने के भाव से देखते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते राजन तुम्हें कुछ जिज्ञासा है। बोले जी महाराज,
आज्ञा हो तो प्रश्न करो, एक शालीनता है सामने वाले के हृदय में ईश्वरत्व का वैभव जगाने के लिए शालीनता है जरूरी। बोले महाराज, मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मृत्यु अति निकट हो तो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, परीक्षित तुमने जो प्रश्न पूछा है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं, एक व्यक्ति या एक समाज के लिए नहीं, समस्त जीवों के मंगल के लिए तुम्हारा प्रश्न है। प्रशंसा की, मनुष्य को जीवन काल में क्या जानना चाहिए, क्या करना चाहिए और मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज शांत हो गए अपने ब्रह्म स्वभाव में। बोले तस्मात राजन सर्वात्मना हरि अभिधीयते, श्रोतव्य कीर्तितव्य से सुमृतव्यो भगवत निर्णाम। भगवान को, मनुष्य को जीवन काल में अपने भगवान के स्वभाव का ज्ञान पा लेना चाहिए, भगवान तत्व का ज्ञान पा लेना चाहिए। आप बोलते भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, वास्तविक भगवान क्या? भगवान, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है और जो सत्ता ये सब मिटने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, वह भगवान है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। जैसे आप बाइक पर बैठते तो बाइक की स्पीड से जाते, प्लेन में बैठते तो उसकी स्पीड से, ऑटो में बैठते तो उसकी स्पीड पे, ऐसे हैं तो आप चैतन्य भगवान के अमृत पुत्र हैं, लेकिन जिस साधन में जिस समय बैठते उस समय अपने को ऐसा ही मानते। मोटापा में बैठे बोले मैं फैटी हो गया, फैटी तो तेरा शरीर हुआ बेटे, तू वही का वही है। मैं दुखी हूँ, आप दुख में बैठे, मैं चिंतित हूँ, आप चिंता में बैठे। चिंता आती है चली जाती है, आप ज्यों के त्यों हैं। दुख आता है चला जाता है, आप ज्यों के त्यों हैं। बीमारी आती है चली जाती है, आप ज्यों के त्यों हैं। शैशव कैशोर्य अधेड़ और यौवन अवस्था आती है चली जाती है, आप ज्यों के त्यों हैं। इस बात का आपको पता चले इसलिए भगवान का अवतार और आपका जन्मदिवस की व्याख्या समझना और महापुरुषों के जन्मदिवस के निमित्त अपना ही जन्म और कर्म दिव्य बनाने के लिए कार्यक्रम होता है। हरि ओम 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 राम 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 राम। मैं सच पूछो तो घाटे का धंधा जानता ही नहीं हूं, बहुत फायदे का धंधा करना जानता हूं, खूब फायदा हो, लागत कुछ ना हो, रिस्क कुछ भी ना हो, फायदा खूब हो, ऐसा धंधा जानता हूं। मैंने कभी अपना जन्मदिवस मनाने के लिए प्रयत्न नहीं किया, न कि प्रोत्साहित किया किसी को। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूं, मैंने अपना जन्मदिवस मनाने के लिए या कोई कपड़े नए पहने हो, कोई विशेषता की हो, नहीं किया। ये आपने पहरा दिया। अभी अपना जन्मदिवस में मनाऊंगा तो नपातुला होगा, लेकिन मेरे प्यारे जब जन्मदिवस मनाते हैं तो पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी गरीबों की सेवा होती है, सत्संग होता है। अभी इस जन्मदिवस के निमित्त से लेकर देश भर में जो सुबह बेचारे घर से निकलते हैं रोटी और पतली सी दाल या जैसी तैसी सब्जी या तो चटनी लेकर, तो फुलके उनके ठंडे हो जाते हैं और जो कुछ भोजन है ठंडा हो जाता है, 12-1 बजे खाते, तो उनको हॉटकेस बांटते थे हम नपातुला। इस जन्म दिवस पर मैंने कह दिया कि पूरी समितियां ये करें, अहमदाबाद आश्रम उसमें सहयोग करें,
और गरीबों के घर तक पहुंचेंगे। ये तो फायदे का काम हो गया ना। मैं जाके पहुंचूं तो मुझे तो थका देंगे, लेकिन मेरे प्यारे इस माने अस्पतालों में फल, साहित्य, जेलों में सत्संस्कार के साहित्य को, प्रसाद को वितरण करते। तो ये जन्मदिवस में अकेला एक जगह पे मनाऊं तो गिने गिनाए लोग उधर इकट्ठे होंगे, मैं नहीं मनाता। ये तो मैंने सत्संग के 3 दिन दिए, उसमें ये बीच में आ गया बेचारा और आपने उसको झेल लिया। जय राम जी की। और आपने ये धूमधड़ाका किया तो हम आपके साथ उदार आते। जब वो मांगने वालों को उदार करते तो देने वालों को उदार बोलना मेरे को क्या घाटा पड़ता है, फायदा ही फायदा है। नारायण हरि। तो सामान्य आदमी वासना के वेग से कर्म करता है, दुख के भय से डर के कर्म करता है, सुख की लालच से कर्म करता है, वो कर्तृत्व भाव से कर्म करता है। लेकिन भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष दूसरों के दुख निवृत्ति के लिए अपने द्वारा कर्म होने देते। भगवान और महापुरुष का स्वनिर्मित विनोद समाज का भला। सामान्य आदमी स्ववासना से प्रेरित और भगवान स्वकरुणा स्वनिर्मित विनोद से प्रेरित। बाप रे इतना सारा हो जा, बस करो ना, बस हो गया। अभी अभी बबलू का जन्म, इतना बोझा है। हम भक्तों का हित करने को लिया अवतार इन्होंने, हम भक्तों का हित करने को लिया अवतार इन्होंने। आ जाए वो खुशियाँ सारी, दर्श है पाया जिन्होंने, आ जाए वो खुशियाँ सारी, दर्श है पाया जिन्होंने। ओए होए जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। बांटे हैं रहमत के खजाने भर भर के भक्तों को, बांटे हैं रहमत के खजाने भर भर के भक्तों को। जोगी के रूप में हमने पाया, धरा पे ही है रब को, जोगी के रूप में हमने पाया, धरा पे ही है रब को। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे चार में। गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, ऐसा सुख ना है पूरे संसार में। गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, ऐसा सुख ना है पूरे संसार में। गाड़ी चली है गुरु के दरबार में।
सबसे प्यारे, हो सबसे निराले सबसे प्यारे। कैसा जादू है इनके प्यार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। कैसा जादू है इनके प्यार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। खुशियाँ इसी दरबार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। मिले खुशियाँ इसी दरबार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। हरे राम हरि ओम हरि, शिव शिव हरि, शिव शिव हरि, बम बम हरि, बम बम हरि, गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि, प्रभु हरि, प्रभु हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, जय हो। गाड़ी ये संग में लाई बहारे, गाड़ी ये संग में लाई बहारे, इसमें सवार ये जोगी हमारे, इसमें सवार ये जोगी हमारे। बिछी नजरें थी इंतजार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। बिछी नजरें थी इंतजार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम मधुर शांति परमात्मा शांति, ओम शांति। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहां, शांतस्य कुतः दुखम।
जिसने परमात्मा शांति का रास्ता पाया उसको दुख का दूध दुष्ट है, दुष्ट वृत्ति दुख देती है, सुखद वृत्ति सुख देती है, लेकिन ये सुख और दुख की वृत्ति आती चली जाती, और जो इनका आधार है वो सदा मेरा आत्मदेव है। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। आत्म साक्षात्कार का इरादा कर लो, बीते हुए का शोक नहीं रहेगा, आने वाले का भय नहीं रहेगा, और वर्तमान में वर्गीकरण कर लोगे, कैलाश विजय वर्गी की नहीं, वर्गीकरण, ये जाने वाला है और ये देखने वाला है, दुख जाता है देखने वाला निराला, सुख जाता है, बचपन जाता है, जवानी जाती है, सफलताएं जाती है, विफलताएं जाती है, लेकिन अपना आपा कभी नहीं गया, जो कभी नहीं जाता वो अपना पिया है, प्रभु है। ओ उस प्रभु में टिक कर जो कर्म करता है उसके कर्म दिव्य हो जाते, उस प्रभु के नाते जो दूसरों के मंगल में लगता है उसका जन्म दिव्य हो जाता है। तो महापुरुषों का और भगवान का जयंतियां मनाने से हमें अपने कर्म और जन्म दिव्य बनाने का अवसर मिलता है। ओ साठ हजार वर्ष की तपस्या की एकाग्रता तो आई, सोने की लंका तो बनी, लेकिन कर्म और जन्म दिव्य नहीं हुआ, रावण हार गया। शबर जाति में कुरूपा कन्या शबरी भीलन, मतंग ऋषि का सत्संग मिला और सेवा मिली, जन्म और कर्म दिव्य हुआ, राम जी ने झूठे बैर खाए, इतिहास साक्षी है। उल्लासमय उद्गार वाह कवि वाह। हे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो, हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जगायो, ऐसो लाल जनायो खुद ब्रह्म तेरे घर आयो, ऐसो लाल जनायो ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो, हे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। योगी जिन को पकड़ न पाए, योगी जिन को पकड़ न पाए, तूने उंगली पकड़ चलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, तूने उंगली पकड़ चलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। रे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो, रे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। श्वास में वेद है जिनके, श्वास श्वास में वेद है जिनके, लीलाशा गुरु बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, लीलाशा गुरु बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो, हे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हम भक्तों के जो दुख हरता, हम भक्तों के जो दुख हरता, तूने तूने सुख पहुँचायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, तूने तूने सुख पहुँचायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। रे माँ महंगी माँ बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जना।
हे माँ महंगी पापड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। माँ तुझ में थी गजब की श्रद्धा, जैसा नजर न आयो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, तेरे जैसा नजर न आयो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो, हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हम न माता तुझ में तनिक था, नर सेवा लक्ष्य बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, नर सेवा लक्ष्य बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो, हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। सदगुरु हमें दिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, तूने सदगुरु हमें दिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो, हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। जीवन ही बितायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, सादा जीवन ही बितायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो, माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। जिसका ना कोई नाम रूप है, जिसका ना कोई नाम रूप है, बबुआ सा राम कहायो तेरे घर आयो, बापू आसाराम कहायो रे माँ ब्रह्म
भागी तू जो ऐसो लाल जनायो सभी ने पायो रे मां ब्रह्म तेरे घर आयो तेरा प्रेम सभी ने पायो रे मां ब्रह्म तेरे घर आयो ऐसो लाल जनायो खुद ब्रह्म तेरे घर आयो ऐसो लाल जनायो खुद ब्रह्म तेरे घर आयो मां महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जना हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो दर्शन पायो रे मां ब्रह्म तेरे घर आयो बड़ भागी दर्शन पायो रे मां ब्रह्म तेरे घर आयो हे मां महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो हे मां महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो।